ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੋਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ सुरक्षा मुलाजम के कुटमार हो गया साढ़े सहयोगी कुलबीर बीरा इस समय साढ़े फोनलाइन से मौजूद ने कुलबीर जानना चाहवांगे पूरा मामला की है आखिरकार कुटमार क्यों हुई है भजन की फिराक के गैंगस्टर सन की कुछ मौके पर होया उसकी जानकारी दो हाँ बिल्कुल जे देखिए तो बठिंडा की हाई सिक्योरिटी जेल है जिस नामे गैंगस्टर जोड़े ने अलग अलग जगह तो लिया गए ने यह मामला है राजवीर सिंह गुरदीप सिंह नाम के दो गैंगस्टर ने जो अलग अलग जगह तो इतने बठिंडा के जेल बंद ने अलग अलग मामलों में भी बंद ने और इन्होंने जेल के जोड़े सिक्योरिटी गार्ड ने वो जो अंदर चैकिंग करते हैं जो वो इन्होंने कोल जाते हैं तो उसी किसी गल को लेकर दो मैमें हुई उस तो बाद इन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड को जोड़ा वो कुटिया तो जो अफसर को पता लगे तो अधिकारी भी नाल दे नाल तुरंत पहुंचे तो उन्होंने भी इन्होंने जी हथोपाई की भी सामने आया कि उतों यह आपके एरिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे जिसनों लैके जेल ने जोड़ा के बठिंडा पुलिस को लिखती रिपोर्ट दी और इन्हों मामला दर्ज जोड़ा वो कर लिया क्योंकि इसे लगातार जो देखा जाए तो पहला 70 के करीब जो अलग अलग तरह के गैंगस्टर जोड़े बंद ने उन्होंने कुछ शिफ्ट हो गए और कुछ जोड़े ने इतने होर लेंदे गए ने लेकिन हर रोज कोई ना कोई मामले के जेल जी है यह सुरखियों के रही है चाहे मोबाइलों के मामले में लैके चाहे कुटमार के मामले में लैके चाहे गैंगस्टर के मामले में लैके हर रोज कुछ ना कुछ इतने जरूर होना रहा हाई सिक्योरिटी जेल होने करके इतों की सिक्योरिटी भी जी है वो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज के हाथ में है जी। पर फिर भी जरा इतने गलबात करने लई धन्नवाद करना चाहांगे।